झारखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन गर्मी और उमस ने अब तक राहत नहीं दी है। राजधानी रांची में भी तापमान ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में मॉनसून कब देगा दस्तक? मॉनसून से राहत कब मिलेगी? मॉनसून बिहार के पूर्वी हिस्से अररिया, पश्चिमी तथा बंगाल के पूर्वी हिस्से सिलीगुड़ी के आसपास ठहरा है। अभी राहत मिलने में लगभग एक सप्ताह और लगेगा। बढ़ते तापमान से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दोपहर में कहीं बाहर निकलने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में प्री मॉनसून का असर झारखंड के कई हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है। प्री मॉनसून की वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में छुटपुटिया बारिश की खबर आ रही है। जमशेदपुर में आंधी के साथ साथ बारिश भी दिखाई पड़ी, जिससे वहाँ तापमान में थोड़ी गिरावट आई और लोगों को थोड़ी राहत मिली। दिन भर तेज धूप में लोग परेशान और शाम में आंधी और बारिश से लोगों को राहत। उधर मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में लोगों को अभी 2-3 दिन गर्मी झेलनी पड़ेगी। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। झारखंड में कब दस्तक देगा मॉनसून? कई राज्य में मॉनसून ने थोड़ी राहत दे दी है, तो कई जगह पर बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। मॉनसून झारखंड में 3-4 दिनों के अंदर दस्तक दे सकता है, लेकिन पूरे राज्य में इसे फैलने में समय लगेगा। संथाल के कुछ इलाकों में छुटपुटिया बारिश की खबर है। कहां कैसा रहा तापमान? राजधानी रांची में भी प्री मॉनसून ने दस्तक दी। 14 जून को लू की स्थिति बनी रहेगी। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। राज्य में बढ़ते तापमान का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राज्य का सर्वाधिक तापमान गोड्डा में दर्ज किया गया। अब मौसम में कब बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात है। रिपोर्ट सबरंग समाचार।